नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज निधन हो गया। अभी कुछ देर पहले उनका निधन हुआ लखनऊ के SGPGI में। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका जो कार्यकाल था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं है। कल्याण सिंह के निधन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी दुखी हैं। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि उनको दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार उनका हालचाल लेते थे, आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हालचाल लेने गए थे, उसके बाद उनका निधन हो गया। कल्याण सिंह काफ़ी बड़े व्यक्तित्व के मालिक थे। उनको तमाम उनके निर्णयों के लिए याद किया जाएगा। 1967 में पहली बार वो अतरौली से विधायक बने, उसके बाद 80 तक वो लगातार विधायक रहे। 80 में पहली बार वो चुनाव हारे, उसके बाद 1987 से वो फिर लगातार 2004 तक विधायक रहे। अगर बात करें उनकी राजनीति की, तो उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राम मंदिर में अपनी जो भूमिका निभाई उसे हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इसके अलावा नकल अध्यादेश को लेकर उन्होंने जो निर्णय लिए उसे भी याद किया जाएगा। और साथ ही कल्याण सिंह को याद किया जाएगा उनके कार्यकाल के लिए, उनके द्वारा लिए गए फैसलों के लिए। कल्याण सिंह ने हालांकि दो बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था। पहली बार सबको पता है कि कुसुम राय के लिए उनका जो विवाद था उसकी वजह से छोड़ा, और दूसरी बार जब वो चुनाव हार गए थे साल 2004 में सांसदी का, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। लेकिन बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आए और पूरी ताकत से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का उसमें काफ़ी योगदान था। और कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट तो थे ही, साथ ही अपनी दबंग छवि के लिए और मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है उसके लिए जाने जाते हैं। कल्याण सिंह ही वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा। तो फिलहाल अब कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं है। काफ़ी दुखद है, पूरे देश में शोक की लहर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।